आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रेलवे ने अपनी जमीन को मुक्त कराने के लिए नगला छुआ में अभियान चलाया लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें केवल दो दिन का नोटिस दिया गया इस बात से नाराज बी के जिला और महानगर अध्यक्ष ने लोगो को आश्वासन दिया है की उनके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा आज नगला छुआ में एक बहुत पुरानी प्राचीन रेलवे पटरी हुआ करती थी जिसके दोनों दोनों तरफ सभी समाज के लोग सर्व समाज के लोग रहते थे अब को किसी नियम कानून के तहत रेलवे वालों ने पहले 16 फीट का कोई प्रावधान था अब 41 फीट के तहत सभी लोगों के मकान तोड़ रही है ये सरकार रोजी रोटी तो दे नहीं सकती गरीब दलित शोषित बेचारे गरीब जो लोग रह रहे हैं उनके मकानों को तोड़ने का और काम कर रही है अगर इनको मकान तोड़ने का ही काम करना था तो सबसे पहले उधर जहाँ कॉलोनी थी वहाँ से तोड़ने का नंबर लगाते तब ये हमारे दलित लोग इन्हें रोजी रोटी की इतनी बड़ी समस्या है इनके मकान और तोड़ रहे हैं आज नगला छुआ में जो रेलवे लाइन को लेके जो विवाद खड़ा हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है यहाँ दोनों ही हाथों पे मकान बने हुए हैं और यहाँ जो रेलवे ने नोटिस रेलवे ने जो यहाँ आदेश दे रखा है इकतालीस फुट का यहाँ पे जो प्रावधान दे तोड़ने का नोटिस दे दिया है कि इसको तोड़ के और लोगों को बेघर करने का काम कर रही है ये गवर्नमेंट देखिए ये रेलवे प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है जो पहले प्रावधान था सोलह फुट का था आज इन्होंने चालीस फुट का कर दिया बिना जाने और यह स्थिति है कि इनके अपने तो ये चाहते हैं कि अपने पुराना नक्शा लेके आएँ बिना नक्शा लेके आए और अचानक ये तो ऐसी दबंगई दिखा रहे हैं जो पहले जमींदार लोग जब किसी गांव में जिससे कमजोर लोगों के यहाँ घुस जाते थे वो स्थिति आज रेलवे प्रशासन कर रहा है सर ऐसा है कि जब ये इन लोगों को मार्च से लॉकडाउन ने लगाया तो इस क्षेत्र की कभी किसी को ये दिक्कत परेशानी नहीं, नहीं देखी कौन भूखा मर रहा है कौन प्यासा मर रहा है टोटल हंड्रेड में से नाइन्टी नाइन परसेंट यहाँ मजदूर रहते हैं ऐसी क्या इनको मतलब ए, चिंता हो गई ऐसा इनको ऐसा उनको क्या ऐसा महसूस होने लगा कि यार ये ये क्षेत्र की दलितों को पिछड़ों को अति पिछड़ों को ये इन इन्हों, इन्होंने मारने का और पूरा ऐसा प्लान बना दिया है आज नगला छुआ में रेलवे विभाग द्वारा जो रेलवे पटरी पर जो अतिक्रमण हटाने का काम किया गया है उसको अगर ये मानते हैं कि 16 फुट से ज़्यादा का कोई जियो है रेलवे अगर किसी जियो के तहत किसी ज़मीन को ले रही है तो उसका बेटर ऑप्शन ये होता है कि जिन लोगों के मकानों को आप उजाड़ रहे हैं उनको कहीं दूसरी जगह नई बस्ती बनाकर आपको देनी पड़ेगी उनकी जमीनों का मुआवजा जमीन के बदले ज़मीन दी जाए या आप जिस जियो के तहत काम कर रहे हैं वो जियो आपका पहले सोलह फुट का था अभी आप उसको इकतालीस फुट की बात कर रहे हैं आज यहाँ छवन के नगला में बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ निरीक्षण किया गया है जो गरीबों के घर रेलवे जो उजाड़ रही है वो बहुत गलत कर रही है जिस प्रकार से 10 फुट का जो प्रावधान था और वो अब कह रहे हैं कि 40 फुट तक हम मकानों को लेंगे ये बहुत गलत है बहुजन समाज पार्टी के समस्त पार्षद समस्त आगरा यूनिट इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है भैया हमारा हक दो और अपना हक ले लो हम बहुत साल से रह रहे हैं यहाँ हम कहाँ जाएंगे हमारा यही कारोबार है यही रहने के लिए जगह है हमारे मकान हमारे टोल दे हम कहाँ कहाँ किस में रहेंगे हमारे पास कोई सुविधा नहीं है छः फुटों का रोड हो यहाँ पे परस उसकी कहते हो हमारी रास्ता नहीं है हम कैसे सालन तक रह रहे हैं यहाँ पे अब हम कहाँ जाए हमारा धंधा छोड़ा लो रेलवे यहाँ आके नहीं है अब हम क्या करेंगे बच्चे ना कैसे पालेंगे यही हमारा काम हो मैं जो चल रही हूँ मैं एक लड़का एक लड़की बस बेसहारा हो गई हूँ आदमी है नहीं मेरा कोई भी मैं कहाँ से करूँ मकान टोला जा रहा है मेरा क्या करूँ कहा लेके जाऊँ बच्चों को अंत भी जगह नहीं है मेरे पास हाँ, माँ पूरा मकान मेरा, मेरा तो पूरा ही जा रहा है तो अब बताओ तो मैं क्या से सबके ही जा रहे हैं और मेहनत करते हैं और मतलब इस घर के सिवाय दूसरी जगह जगह नहीं है मेहनत करते हैं और फिर जगह भी नहीं है जो मैं यहाँ लेके बच्चों को चली भी जाऊँ रहने के लिए अब मेरा यही जगह है थोड़ा सा ये टीन फीन पड़ी है ये